बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त पंजाब की देसी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। ये पंजाब में आम तौर पर बहुत ही मकबूल तरीन सब्जी की रेसिपी है। इसको ज्यादातर लोग घर में बनाते रहते हैं और इसको बड़े चिटखारे लेकर खाते हैं। तो चलिए आज ही हम अपनी मिक्स सब्जी की जो रेसिपी है इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक पाव आलू लिए हैं जिनको चॉप कर लिया, और इस तरह मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया आलू को। एक पाव आलू, एक पाव मटर, एक पाव गाजर जिसको मैंने बारीक छील कर, ये देखें इस तरह मैंने बारीक बारीक काट लिया। इसके साथ मैंने थोड़ी सी एक मुट्ठी के करीब मेथी लिया जिसको मैंने धोकर खुशक कर लिया और इस तरह इसके पत्तों को उतार लिया। इसके साथ हम एक प्याज लेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने एक खाने का चम्मच लिया है। नमक आधे खाने का चम्मच, आपने अपनी जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। हल्दी 1/4 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। सब्जी की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब चूंकि आज हमारी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी देसी रेसिपी है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल देसी तरीके से पकाने वाली हूँ। एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने प्याज छीली और प्याज को मैंने यूं बारीक बारीक लच्छेदार कट कर लिया। ये देखें व्यूअर्स, हमने प्याज कट कर लिया। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1/2 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करूंगी, और अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इस प्याज को तब तक पकाना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाएं। प्याज ने थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो बदलना शुरू कर दिया, बस हम इसको कुछ सेकंड जो है वो और फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। अभी साथ ही हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी शामिल करेंगे, और अब मैं इनको अच्छे से भून लूंगी। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। बस हमने इसको कुछ ही सेकंड जो है वो फ्राई करना है। हम अब इसको कुछ ही सेकंड के लिए भूनेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है तो मैं इसके अंदर ये मेथी डाल दूंगी। अभी मैं जस्ट मेथी ऐड करूंगी क्योंकि मेथी को थोड़ा टाइम लगता है, ताकि मेथी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। इसे हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। अब मेथी को मैंने 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से भून लिया है। अब भूनने के बाद हम इसके अंदर सारी सब्जी एक एक करके शामिल करेंगे। सबसे पहले हम गाजर डालेंगे, इसके बाद हम आलू शामिल करेंगे और मटर डाल देंगे। अब मैं इनको भी अच्छे से भून लूंगी। अब हम इसको वक्फे वक्फे से 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखें, आपने वक्फे वक्फे के साथ इसमें चम्मच जो है वो चलाते जाना है, और कोशिश करना है कि इसमें पानी ना डले, क्योंकि आजकल की ये मौसमी सब्जियां ये अपने आप ही गल जाती हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो आपने आधे से भी आधा कप जो है इसमें पानी डालना है, लेकिन वक्फे वक्फे से, ताकि आपका मसाला ना जले। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको भून लिया 2 से 3 मिनट। अब मैं इनको ढांप कर रख दूंगी और दम वाली आंच पर मैं अपनी सब्जी को पकाऊंगी। मैंने बिल्कुल दम वाली आंच कर दी है ताकि हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक जाए, लेकिन हम वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि हमारी सब्जी गल ना जाए। ये देखें व्यूअर्स, आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते जाना है,
और इसको भूनते जाना है। अब मैंने इसमें अच्छे से चम्मच हिला लिया है। अब मैं इसको दोबारा दम पर रख दूंगी। ये देखें, मैं दोबारा से इसमें चम्मच चला रही हूँ और अब हम देखेंगे कि हमारी सब्जी गली है या नहीं गली। तो इसके लिए हम थोड़े से आलू को तोड़कर देखते हैं। ये देखें, हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से गल चुकी है। अब बस मजीद हम इसे 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे। ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि इसने जो घी है वो अच्छे से छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो सब्जी है वो पककर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही यम्मी लग रही है। इसको आप रुमाली रोटी के साथ सर्व करें। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कम्प्लीट होती है। लास्ट पर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश करूंगी। इसके साथ ही आज की हमारी जो वीडियो है वो कम्प्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर उससे पहले आपने क्या करना, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।